अब मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों ने जवान चाचे और बुढ़े ताऊ ने तो काफी लंबे समय से कमेंट आ रहे थे भाइयों के कि सर जो बीपी राशन कार्ड पे 80,000 रुपए मकान मरम्मत के मिले हैं उसको ऊपर एक वीडियो बना दो। तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी होगी एक फाइल जो आपकी इस प्रकार रहेगी और दुकानों का पता नहीं आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर आप सीएससी हेल्पलाइन के पास आते हैं, आप जांगड़ा सीएससी सेंटर पर आते हैं तो आपको ऐसी एक फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसका जो पीडीएफ है फाइल की वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक बनाया है, एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके जो है उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी सभी भाई जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें। आगे भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसकी हार्ड कॉपी आपको वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करोगे, ओपन करते ही आपके सामने एक छोटा सा पेज होगा, बिल्कुल छोटा सा, जिसके ऊपर लिखे होंगे उचित डॉक्यूमेंट जो इस फाइल के लिए चाहिए है। तो सभी की एक एक कॉपी करवा के ये इस प्रकार से होंगे, सभी की एक एक कॉपी करवा के आपको इसके अंदर लगा लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है आपका फॉर्म, फॉर्म भी आपको इसी फाइल के अंदर मिल जाएगा। दो पेजों का ये फॉर्म है, ये आपको इसी फाइल में मिलेगा। इसके अंदर जो है आपको अपना नाम, आपके पिता या पति का नाम इसके अंदर डालना है, आपका गांव कौन सा है, आपका तहसील कौन सी है, आपका जिला कौन सा है, आपकी जाति कौन सी है। इसके बाद आपने पहले की मकान स्कीम का कोई लाभ लिया है, अगर लिया है तो वो आपको इसके अंदर मेंशन करना होगा कि कितने साल पहले लिया था, और अगर आपका लाल डोरे के अंदर मकान है तो कितने साल पुराना है ये आपको इस फॉर्म के अंदर लिखना होगा। उसके बाद अपने गांव के सरपंच या नंबरदार, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो वार्ड पार्षद के आपको यहाँ पे साइन करवाने होंगे, मोहर लगवानी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ग्राम शिव का जो है जिसको आप सेक्रेटरी बोलते हो उसका साइन आपको यहाँ पे करवाना होगा विद मोहर, मोहर आपको यहाँ लगवानी अनिवार्य है। इसके साथ साथ नीचे आपको सबसे नीचे जो है एक यहाँ पे बॉक्स दिखाई देगा जिसके अंदर 6x4 यानी कि ऐसा एक आपको फोटो लगाना होगा, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, पीछे मेरा मकान है और मकान की जो हालत है वो ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ ये रिपेयरिंग के हालात में है। इसके बाद आपको फोटो यहाँ पे चिपका देना है पहले फॉर्म पे। इसके बाद आपको एक फॉर्म और मिलेगा, इस फॉर्म पे जो है मिस्त्री रिपोर्ट यहाँ पे होगी, मिस्त्री इसके अंदर कोटेशन लिख के देगा कि आपके मकान को इतने रुपए की मरम्मत की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मिस्त्री के साइन यहाँ पे होंगे और मिस्त्री का पता भी आपको यहाँ पे लिखवाना होगा कि मिस्त्री कौन से गांव का है, मिस्त्री का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है और उसका जो मोबाइल नंबर है वो क्या है, ये आपको इसके अंदर लिखवाने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जो है लेने हैं। इसके साथ साथ ये जो पहला पेज है इसके अंदर है आपका आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, पैन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री या फर्द अगर वो नहीं है तो सेक्रेटरी वहां पे लिख देगा, आपका जो ग्राम सचिव है सेक्रेटरी है कि ये लाल डोरे के अंदर की है। गांव के मकान के साथ एक 4x6 की फोटो हो गई और आपकी फैमिली आईडी, ये डॉक्यूमेंट है। अब इसमें क्या है कि काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी और ओबीसी इन कैटेगरी के लिए तो है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन उनके भी अब काफी सारे लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए हैं तो वो कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएंगे। तो आपको जो है इसी फाइल के अंदर आपको आपका जनरल कैटेगरी के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, आपको इसका भी जो है एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यहाँ पे आपको जो है आपके गांव के सरपंच के साइन करवाने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र, अपने गांव के सरपंच के साइन करवाने हैं, नंबरदार के साइन करवाने हैं। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर जो है आप अपने वीडियो के साइन भी यहाँ पे करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सरपंच के साइन और नंबरदार के साइन इससे भी आपका काम चल जाएगा और ये हो जाएगा कि आप जो है जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हो, आपकी जो भी जाति होगी यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। इस तरीके से जो है आपको ये अपनी एक फाइल रेडी करवा लेनी है और फाइल रेडी करवा के आपका जहां मन करे
जिस भी दुकान पे आपको ये लगे कि ये अच्छा फार्म अप्लाई करेगा, तो आप वहां पे जाके जो है अपना फार्म अप्लाई करवा सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।